उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में बलिया पुलिस ने गुरुवार को 2 स्थानीय पत्रकारों समेत 7 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बुधवार को 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई सहित कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव बीजेपी के साथ किसी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। शिवपाल के राज्यसभा जाने की चर्चा भी यूपी में होने लगी है। हालांकि शिवपाल का कहना है कि वो सही समय आने पर अपनी सारी बात बताएंगे। यूपी के तमाम जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस वर्कर्स ने बाराबंकी और जालौन जिले में सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के वर्कर्स ने कहा कि लोग महंगाई के कारण परेशान हैं और इसके बावजूद सरकार किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रही। यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को एक इंटर कॉलेज की इमारत पर बुलडोजर चला है। शहर के आरपी इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पर विकास प्राधिकरण के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। नहर रोड पर बने इस कॉलेज को ध्वस्त किए जाने के दौरान सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। इसके पहले बुधवार को लखनऊ में एक बीएसपी नेता के अपार्टमेंट को भी ध्वस्त कर दिया गया था। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही NHIA दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से पहली बार टोल वसूली शुरू करेगी। इसके अलावा NH9 पर मौजूदा टोल में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। NHIA अधिकारियों का कहना है कि वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी का फास्टैग हर हाल में रिचार्ज करके एक्सप्रेसवे पर चलना होगा। अगर फास्टैग में पैसे नहीं होंगे तो टोल दोगुना वसूल कर वाहनों को आगे जाने दिया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से मेरठ तक सफर करने वालों को 155 रुपए का टोल देना होगा, जबकि अगर दिल्ली से हापुड़ जा रहे हैं तो अब 140 रुपए टोल देना होगा। पहले इस पर 130 रुपए का टोल वसूला जाता था।